Hi learners, this is Alisha Mahajan from Un Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'll be covering basically आपको मैं क्या करवाऊंगी इसके थ्रू थोड़े कुछ पार्ट्स में आपको सारा हायर एजुकेशन करवाऊंगी, ठीक है? आई हैव फाउंड कि अगर इसकी लाइव क्लास ली जाती तो ये होता कि बच्चे कहते दोबारा रिपीट करो. सो आई एम प्रेफरिंग कि आपको दो दिन पहले ही, अब जैसे 26 को एग्जाम है एंड आज हमारे पास अभी 23rd है, ठीक है? सो हमारे पास दो दिन है तो उसमें आप अच्छे से इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं. तो एक एक करके मैं आपको स्लाइड वाइज कुछ पार्ट्स में हायर एजुकेशन कंप्लीट करवाऊंगी. सो दिस इज हायर एजुकेशन पार्ट वन, ठीक है? सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि हमने देखा है आईसीटी और हायर एजुकेशन पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं शिफ्ट्स में. सो क्यों ना हम इसके थ्रू अपना काम करें, ठीक है? सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले मैं आपको क्या करवाऊंगी, जो अभी अभी हाँ पोस्ट एंड प्री, जो हायर एजुकेशन में पोस्ट एक्ट थे, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सारे हम करेंगे, ठीक है? सो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्लीज राइट इट डाउन, चार्टर एक्ट. ये कब स्टार्ट हुआ ये आपको ब्रीफ में करवा रही हूँ, सो दैट आपको रिवाइज करने में आसानी हो. 1813 में, ठीक है? क्या था बेसिकली, ब्रिटिश इंडिया में, मतलब तब ब्रिटिश का राज था ना, सो 1813 में ब्रिटिश इंडिया की साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए ये बनाया गया, ठीक है? उस टाइम पर कौन थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है? उनको वो प्रीच करते थे, पूजा टाइप करते थे उस टाइम पर, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, एडुकेशन के टाइम पर हमारा हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में, और वो इसके अंडर ही आता है ये. और उसके बाद वो प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था 1855 में, एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गई 2010 में, ठीक है? ये याद रखना है. इसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट है, ये पॉइंट चार्टर्ड एक्ट का, इसको याद कर लेना सभी बच्चों ने, ठीक है? उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज वुड्स डिस्पैच एक्ट. जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सो प्लीज राइट इट डाउन. द सेकंड पॉइंट इज वुड्स डिस्पैच, ठीक है? वुड डिस्पैच जो था ना, वो कब स्टार्ट हुआ, 1854 में, ठीक है? 1854 में इन्होंने क्या बोला कि डिफ्यूज कर दो इंग्लिश एजुकेशन को कंट्री में, ठीक है? सो बेसिकली ये क्या कहना चाहते थे, ज्यादातर एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करते थे, ठीक है? और ये बताया गया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इंडिया में भी एजुकेशन जो है वो एट पार, जैसे फॉरनर्स को मिलती है वैसे ही मिलनी चाहिए, ठीक है? सो ये बहुत अच्छी थी. इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट वाला है, हंटर कमीशन. ये सारा प्री इंडिपेंडेंस के हैं अप्रोचेस. हंटर कमीशन ने क्या बोला, सबसे पहले तो कब आई, 1882 से 1883. इन्होंने बोला प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को सेपरेट कर दो, पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन को, ठीक है? और फिर इन्होंने बोला कि एफिलिएटेड कॉलेजेस होने चाहिए. एफिलिएटेड कॉलेजेस पता ना, जिसका नाम हो, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये रेकग्नाइज्ड कॉलेज है, तो एफिलिएशन मिलना चाहिए उनको, रेकग्निशन मिलनी चाहिए. तो ये हमारा आया था हंटर कमीशन में, ठीक है? उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है, फोर्थ पॉइंट दैट इज यूनिवर्सिटीज कमीशन. यूनिवर्सिटीज कमीशन, साथ साथ लिखें, यूनिवर्सिटीज कमीशन आई 1902 में. किसने करी थी, लॉर्ड कर्जन, ठीक है? सो इसके बाद क्या बना, मतलब इसी ईयर के अंदर हमारे पास क्या बना, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इसके बाद बना, ठीक है? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, प्लीज राइट इट डाउन, 1904, ठीक है? सो
सो यहाँ पर क्या पाया गया, ये देखा गया कि हमारी कंडीशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करा जाए, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया था ना अभी भी, कि ताकि हमारे इंडियन लोगों की एडुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इस वजह से इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 के अंदर ये बनाया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सैडलर कमीशन 1917। ये कैलकटा, ये इसको कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। इन्होंने क्या बोला, इंटर इंटरमीडिएट एजुकेशन को डिग्री कॉलेज से दूर कर दिया, ठीक है। सेपरेशन मांगी इन्होंने इंटरमीडिएट एजुकेशन को, किसके साथ सेपरेशन मांगा, डिग्री कॉलेज से, कि इन दोनों को आपस में अलग कर दिया जाए, ठीक है, अलग कर दिया जाए इन इन सबको। ये किसके अंदर आया, हमारा सैडलर कमीशन में, ठीक है। और ये बोला गया कि अलग अलग ये सेक्शंस के लिए, इंटरमीडिएट के लिए डिग्री, इंटरमीडिएट मतलब जो पहले पहले हम एडुकेशन लेते हैं, डिग्री मतलब बाद में जो बी कॉम एम कॉम ये सारी डिग्री कॉलेजेस हो जाते हैं, ठीक है। सो इन्होंने बोला इनकी जो टीचर्स हैं उनकी सिलेक्शन कमिटी अलग से बनेगी, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या बोला, क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए इनके लिए, इनके लिए बनना चाहिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एडुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एडुकेशन, ये बनाने के बारे में इन्होंने बोला। सेटअप भी हो गई 1920 में, 3 सालों के अंदर अंदर, बट इसको 1923 में एबॉलिश भी कर दिया गया। सो 17, 20 और 23 ये ईयर याद रखने हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है कमेटी, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। इतना इतना पॉइंट्स लिख लोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम आती है हमारे पास हैटॉग कमीशन, ठीक है, हैटॉग कमीशन, ये आई 1929 में। तो इसमें क्या हमने करना था, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन का जो लेवल था वो बढ़ाना था, ठीक है। और इन्होंने अगेन बोला कि हमारा CABE बने, CABE क्या था हमारा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो फिर अगेन 1923 में अबॉलिश हो गया था ना, फिर इसके बाद 1935 में फिर एस्टैब्लिश हुआ, एंड ये अभी तक अब है, ठीक है, इट इज नाउ वर्किंग, क्या, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो याद रखने के हैटॉग कमीशन में ये रिकमेंडेशन दी गई और दोबारा से इसको एस्टैब्लिश कर लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्रू, ठीक है, सप्रू कमेटी, सप्रू कमेटी बनाई गई 1934 में, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस, अब ये जो यूपी में है, ठीक है, तब ये यूनाइटेड प्रोविंस थे, तो वहां पर क्या किया गया, ये बताया गया कि देखो ध्यान से समझना इसको, ये सप्रू कमेटी में ये पाया गया कि जो सिस्टम ऑफ एडुकेशन है वो किसके लिए होना चाहिए, एडुकेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है। एडवोकेशन डिग्री देखो सिंपल सा है, वो कहते हैं सिर्फ हम पढ़ाने के लिए बच्चों को ये करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और किसके लिए नहीं करवा रहे, ये किसी हम डिग्री या एग्जामिनेशन या हम कह सकते हैं टेस्ट लेने के लिए नहीं करवा रहे। सो सप्रू कमेटी इसलिए बनाई गई कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडुकेशन दी जाए, ठीक है। सो बेसिकली किसके लिए नहीं दी गई है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये पाया गया कि केवल हमारे जो विद्यार्थियों को ये परीक्षा और डिग्री के लिए नहीं है, लेकिन वो जीवन में मतलब हर एरिया में आप सफल हो उसके लिए सप्रू कमेटी बनाई गई, कि मतलब एडुकेशन को इन्होंने एग्जामिनेशन से डिफरेंट रखा, अलग रखा, कि पढ़ाई के लिए नहीं है या फिर पेपर देने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बात रखनी है आपको इसके अंदर याद। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, ठीक है,
इसके बाद हमारे पास ये थी प्री इंडिपेंडेंस के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाली। एक हम करते हैं सार्जेंट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सार्जेंट रिपोर्ट। इसको इसको क्या बोलते हैं, स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये 1944 में आई थी। ठीक है, अब इसके बाद हमने 47 में आपको पता है इंडिपेंडेंस हो गई थी, इसके बाद हम करेंगे बात पोस्ट इंडिपेंडेंस वालों की। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 47 के बाद कौन कौन से हमारे पढ़ाई से रिगार्डिंग हायर एजुकेशन में सेटअप्स बने, वो हम कमिटीज बनी, ये सब हम डिस्कस करेंगे अब। सो पहला लिख लीजिए, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है 1947 के बाद हमारा कौन सा बना था, दैट इज फर्स्ट कमीशन इज राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन लिख लीजिए, राधा राधा कृष्णन सॉरी राधा कृष्णन कमीशन। आजादी के एक साल बाद याद रखना। ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोला कि इंटेग्रेशन करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का। ठीक है, कैसे करेंगे इन दोनों का एजुकेशन, यूजीसी को सेटअप करके। ठीक है, और ये भी इसमें बोला गया कि इस राधा कृष्णन कमीशन में एक तो यूजीसी को सेटअप करना है, ठीक है, हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को इंटेग्रेट करना है, इंटेग्रेशन वाला पॉइंट लिख लीजिए। एक रूरल एरियाज में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए एजुकेशन की रूरल एरियाज में। उसके बाद हमारे पास आती है, ये पहली राधा कृष्णन होगी ना, सेकेंड कौन सी होती है, मुदा लायर, मुदा लायर कमीशन। ये कब आई, 1952-53 में। ये बेसिकली इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोला जाता है, किस क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 3 साल का सेकेंडरी और 4 साल का हायर एजुकेशन सिस्टम बनाओ, 3 साल का सेकेंडरी और 4 साल का हायर एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, और जो स्कूल है ना, केवल वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाएं बल्कि जॉब भी दिलाएं, जॉब भी दिलाएं पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ। ये दोनों चीजें हमारी बताई गई मुडा लायर कमीशन में, लिख लीजिए। उसके बाद थर्ड हमारी आती है कमिटी ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, सो कमेटी ऑफ सॉरी गाइस, या सो इट वॉज कमेटी ऑन इमोशनल इमोशनल इंटेग्रेशन। ये कब आई, 1961 में। ठीक है, इट वॉज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ संपूर्ण आनंद। ठीक है, लिख लीजिए डॉक्टर संपूर्ण आनंद। और इन्होंने क्या करा, एजुकेशनल प्रोग्राम यूथ के लिए, जनरल के लिए, स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस, इन सब के लिए बनाया गया। ठीक है, इमोशनल इंटीग्रेशन हुआ, आपस में मिलजुल कर रहें, इमोशंस का ध्यान रखें। सो ये एक हमारी कमीशन इस पर्पस के लिए बनाई गई ताकि हम इंटीग्रेशन बना के रखें, मेलजोल अच्छे से बना के रखें इनके साथ। नेक्स्ट कम कोठारी कमीशन, वेरी फेमस कोठारी कमीशन। ये कब आई हमारी, 1964 से 1966 में। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। साथ साथ पॉज करके लिखी जाए, इतना भी याद कर लेंगे पेपर में काफी आसानी होगी। ठीक है, ये एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, 3 डिग्री का कोर्स ये बताता है। ठीक है, एंड 4 डिग्री का ऑनर को, ऑनर डिग्री का कोर्स करे, 3 इयर्स का नॉर्मल डिग्री कोर्स एंड 4 इयर्स का ऑनर डिग्री कोर्स करे। ठीक है, और इसने क्या एस्टैब्लिश करा,
इन्होंने ये भी बताया कि क्वालिटी टीचिंग पर ध्यान दे, यहाँ पर भी वोकेशन पर ध्यान दिया गया, ठीक है। और ये बताया गया 6% हमारी नेशनल इनकम, देश की इनकम का 6% हमारा एडुकेशन पर स्पेंड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। कोठारी कमीशन में बोला गया था कि 6% देश की इनकम का एडुकेशन पर स्पेंड होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने पेपर में आ जाए कि 10th प्लस 10th प्लस 12वीं प्लस 3 साल, ये वाला ये वर्डिंग लिखे होते 10 प्लस 2 प्लस 3, ये किसने बोला गया, ये सिस्टम भी इन्होंने बोला था कोठारी कमीशन ने, ठीक है। और इनके और पॉइंट्स करेंगे क्योंकि कोठारी कमीशन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। उन्होंने ये बोला जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती ना, प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम्स दिए, जैसे किंडरगार्टन, आपको पता ही है किंडरगार्टन होता है, मॉन्टेसूरी, ठीक है, एंड ये सारे नाम दिए गए यहाँ पर। अब इसको जैसे बोला गया सारा प्राइमरी एजुकेशन उसके बाद, ठीक है ना। इनको ये सारे तो प्री प्राइमरी हो गए ना, मतलब प्री प्राइमरी को आप किंडरगार्टन भी बोल सकते हो, मॉन्टेसोरी भी बोल सकते हो। प्री प्राइमरी के बाद क्या आता है, प्राइमरी एडुकेशन। प्राइमरी एडुकेशन को हम लोअर प्राइमरी भी बोल देते हैं, लोअर प्राइमरी। अब लोअर प्राइमरी क्या होता है, फोर्थ स्टैंडर्ड तक बच्चे जो होते हैं ना वो लोअर प्राइमरी के अंदर आते हैं, जिसके हम प्राइमरी भी बोल देते हैं एडुकेशन। उसके बाद अपर प्राइमरी, जिसे हायर प्राइमरी भी बोलते हैं, हायर स्कूल भी बोलते हैं, वो हो गया 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। 0 से आगे देखो ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ाई वगैरह भी नहीं करते हैं, सिर्फ खेल कूद, उनको ये सब मैनर्स वगैरह सिखाए जाते हैं, वो किंडरगार्टन मॉन्टेसोरी में आ गया। इसके बाद प्री प्राइमरी में हमारा लोअर प्राइमरी भी बोलते हैं, 4th स्टैंडर्ड तक आ गया, अप टू 4th स्टैंडर्ड, और 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हमारा अपर प्राइमरी और हायर प्राइमरी भी बोला जाता है इसको, ये आ जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना आपको। और उसके बाद ग्रेजुएशन स्टडी रिकमेंड करी गई, 3 ईयर कोर्स होना चाहिए, ये बताया गया। और मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री बताई गई, आपको पता ही है मास्टर्स डिग्री में क्या आता है, ठीक है। या वो हमारी हायर एजुकेशन के अंदर आ जाती है सारी डिग्रीज। और उसके बाद याद रखें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी 1968 के टाइम पर, ठीक है, लोकसभा में ये 1967 में बात करी गई। और किसने पास करा, ये इंदिरा गांधी ने पास करा था, बिल इंदिरा गांधी लिख लीजिए, ठीक है। ये ज्यादातर जो रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन के टाइम पर पूरी नहीं ना हुई थी, वो यहाँ पर उसने पूरी की, इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में, ठीक है। वो क्या है उसको याद रखें, जैसे क्या उन्होंने बोला यहाँ पर, प्लीज राइट इट डाउन, कौन कौन सी रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन की यहाँ पर कवर करी गई, फ्री एंड कंपल्सरी एडुकेशन, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी 4th स्टैंडर्ड तक है, कम से कम कहते हैं वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटस और पे स्केल रिवीजन होनी चाहिए बार बार, ये नहीं कि 10,000 सैलरी रखिए, 10,000 पे रहो 10 साल, नहीं, कहते बार बार इसको रिवाइज करना चाहिए। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड साइंस एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ठीक है। और या ये आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद हम याद कर सकते हैं, या एडुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाता है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एडुकेशन कम अंडर कौन सी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद की जो हमारी कमेटीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन, थैंक यू।